नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। सहदेई बुजुर्ग के पंचायत पोहियार बुजुर्ग ग्राम रामपुर बघेल में विश्व विख्यात सुलभ शौचालय का निर्माता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक के पैतृक निवास के नजदीक वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस सड़क से गुजरने वाले आम ग्रामीण क्षेत्र के राही दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर कोई ध्यान नहीं है। सड़क के नीचे मिट्टी नहीं है, जिस कारण सड़क जगह जगह पर टूट रही है। कई व्यक्ति को गिरने से दांत और हाथ टूट गया है। चार चक्का गाड़ी नहीं आ पाता है, जिसके कारण ग्रामीण को बहुत ही कठिनाई होती है। एम्बुलेंस नहीं आने के कारण मरीज को गोद में या चारपाई पर उठाकर दूसरी जगह ले जाकर एम्बुलेंस पर रखा जाता है। ग्रामीण का आरोप है, जेई के लापरवाही के कारण सड़क बहुत ही शीघ्र टूट गया। पूरी सड़क जर्जर हालत में है, नाला निर्माण भी नहीं हुआ। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार मिश्रा, वैशाली। क्या कोई भी काम नहीं है, वार्ड वार्ड भी कोई भी काम नहीं है। गाड़ी भी नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस का सुविधा इस रास्ते से नहीं हो पा रहा है, जल नल का सुविधा नहीं है। हम लोग को 12 नंबर वार्ड में काट के रख दिया है एलोदीपुर पंचायत से। जल नल योजना वाला तो इधर आया ही नहीं 12 नंबर वार्ड में। ये पानी से कितना बीमारी फैलेगा, कोरोना भी। और मुखिया जी के आवेदन दिए थे, मुखिया जी को बोला गया है तो बोले कि माल नहीं है। जेई को भी बोला गया है, सबको लाइट पीने वाला नहीं है। वीडियो सारे लोग गए हैं, सारे लोग जनसंख्या। विजय साहब क्या बोले? वीडियो भी एक्शन नहीं लिए, बोले कि देखेंगे इलेक्शन के बाद। रोड अच्छा से बना नहीं है, रोड एक तो गाड़ी चलने लायक नहीं है, मोटरसाइकिल भी अच्छा से नहीं चल पाता है इस रोड से। और चार चक्का कहाँ से चलेगा, एक गाड़ी आता है तो एक मोटरसाइकिल भी पास नहीं होता है। टूट गया है, इसके बारे में क्या करेंगे? ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमने जिसका चुनाव किया, जैसा मेरा रोड है वैसा वो भी है। और हम लोग को ही दृष्टि से देखा जा रहा है। आज यहाँ की वृद्धा बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कोरोना काल में बहुत कष्ट में हैं। इसका निर्माण शीघ्र कराया जाए और जेई से पूछा जाए कि उन्होंने कैसे इस पैसे को संसन किया। हम तो सारे पदाधिकारी को कहते हैं कि इसको देखा जाए आकर के सरकार। और बच्चा उसमें गिरा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बुजुर्ग गिर जा रहे हैं, एक आदमी का तो दांत टूट गया है। हम लोग किसके बारे में बदला है आपको? बहुत कष्टमय जिंदगी है हम लोग को, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, पानी का व्यवस्था है ना, रास्ते का व्यवस्था है। लेके जाते हैं तो बहुत दिक्कत, आराम से निकलते हैं हम लोग। कंप्लेन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। गैस गाड़ी आ रही है, इसके वजह से ना दूध गाड़ी आ रही है ना पानी वाला गाड़ी। दो चक्का के छोड़ के कोई भी नहीं आ रहा है। मीडिया की आभारी है कि कम से कम हमारी आवाज को तो सुन रहा है। गिर जा रहे हैं, आई सैल्यूट मीडिया। और आपसे निवेदन है कि इसको हाईलाइट करके दिखलाइए। पोल भी सारी व्यवस्था, पोल कभी भी किसी के है। हमारे हमारे क्षेत्र को, विकास को ही पोल दर्शाता है। पूरा फुआ, कभी भी कोई घटना, सबका फुआ जा रहा लगे। चल चल चल, फुआ गिर जाती लेकिन बच गए। अभी देखिए कैसे गया।